बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ना सुने है कोई मेरी ये इल्तिजा, बन गई क्यों है निशा? अम्मी मैं हार गई हूँ मैं अपना केस। बेटा तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा बहुत बड़ा वकील करूँगी। आपका शौहर उसे भी खरीद लेगा। देखो सीधी तरह से बताओ ताजवर, साफ साफ लफ्जों में हुआ क्या है? तुम मुझे बताओ कि निशा का वकील पेशी पे क्यों नहीं पहुँचा? तुम्हें अपने बेटे की सर की कसम। मरा हुआ चेहरा देखूं उसका अगर तुमसे झूठ बोलूं तो? बात सुन, या तो अपनी कीमत बता या फिर मेरे बाप की इज्जत की कीमत देने को तैयार हो जा। क्या किया है उसने? बस इतना समझ लो कि उसने जात पे नहीं हमारी इज्जत गैरत और वकार पे हमला किया। तुम्हें यह सब कुछ नहीं करना चाहिए था। क्यों, डर गए उसे? हाँ तुम्हारे लिए। मेरे बस में होता ना तो मैं उसे फांसी चढ़ा देती, लेकिन ये सारा खेल उसके बाप का था। हथकड़ियां लगा के भिजवा दिया उसे मेरी माँ के सामने हीरो बनने के लिए। खैर छोड़ो, अच्छा है कुछ दिन वो जेल में रहे, तब तक तुम भी हॉस्पिटल में हो। तुम बिल्कुल अपने भाई पे गई हो, तुम्हारी आंखों से सेम वही चिंगारियां निकलती हैं। शुक्र है मैंने साइन कर दिया, वरना तुम तो मेरा सर ही फाड़ देती। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारा सर फाड़ सकती हूँ? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा सर फाड़ सकती हूँ। पुलिस क्यों आई थी यहाँ? मैं तुम दोनों से पूछ रहा हूं, पुलिस क्यों आई थी यहां? जरा खाने भेजी थी। उसने क्या केस किया तुम्हारे खिलाफ? नहीं, अपने बेटे के खिलाफ। तो फिर तुमने क्या बोला? वही जो मुझे कहना चाहिए था। उसकी दुश्मनी इनसे है, तुमसे नहीं। उन्होंने भी यही पैगाम भिजवाया है कि उनकी दुश्मनी मुझसे नहीं है, जो गलती की है उनके बेटे ने की है। और तुमने उन्हें क्या पैगाम भिजवाया है? देखो इस दफा उन्होंने तुम्हें सिर्फ वार्न किया है, अगली दफा वो बदला लेंगे। मैं बाहर बैठा हूं जब तक ये लड़की यहां पर है। सपनी पिलाओगी? प्लीज।
वैसे वाकई में बहुत बुरा है यार। आई नो। इसे थोड़ा सा थोड़ा सा और तुम्हें डर नहीं लगता? किस बात का डर? अगर गुस्से में आके उसने तुम्हारी बीवी को बता दिया तो? अरे डरना तो तुम्हें चाहिए। क्यों? हो सकता है कि वो तुम्हें जान से मार दे। इतनी पोजेसिव है वो तुम्हारे बारे में? अरे वो भी तो एक सरदारनी है ना, उसी लेवल का शौकन पना दिखाई। एटलीस्ट मैं ये टाइटल डिजर्व नहीं करती, मुझे इस लव से क्राहियत आती है। प्लीज उसे पता नहीं चलना चाहिए। और फर्ज करो अगर उसे पता चल गया तो? तो फिर मुझे डिवोर्स दे देना। मुझे अब चलना चाहिए। हाँ तुम भी थक गई होगी, तुम भी जाके रेस्ट कर लो। नहीं थकी तो नहीं हूँ, बस थोड़ा सा ऑड सा लग रहा है। तुम्हारे अब्बू बाहर बैठे हैं उस वक्त से। जाहिर है मैं कोई बच्चा तो नहीं रहा कि जिसका चाहे अंदर आके हाथ पकड़ के बाहर निकाल दें। मेरी माँ भी कभी अस्पताल में वेटिंग रूम में इंतजार किया करती थी कि वो एक नजर अपने बच्चे को देख ले, लेकिन मेरा बाप उन्हें मुझसे मिलने नहीं देता था। वो समझता था कि शायद मैं उनकी लापरवाही की वजह से बीमार पड़ा हूं। उन्हें लगता था कि वो जाहिल गंवार औरत मुझे संभाल नहीं सकती। फिर तो मुझे यहां से वाकई चले जाना चाहिए। फरजाद मुझे लगा था कि तुमने मुझे इधर इसलिए रोका है कि तुम्हें मेरी जरूरत है, लेकिन तुमने तो मुझे अपने बाप को तकलीफ देने के लिए रखा हुआ है। तो तुमने भी तो दस्तखत करवाए मुझसे अपने बाप को तकलीफ देने के लिए, मैंने इनकार किया। मुझे अच्छा लगता कि तुम कहते। क्या कहता? कि निसा रुक जाओ, तुम पास होती हो तो मुझे अच्छा लगता है, तुम खिलाती हो तो मुझे भूख लगती है, यही सुनना चाहती थी तुम? उफ प्लीज नहीं, ये सब नहीं। फरजाद तुम तो जानते हो कि अम्मी के सिवा मेरा कोई दोस्त नहीं है। आई नो, तुमने कुछ नहीं खाया होगा? You got food? तुम्हारे लिए सैंडविच और फरजाद के लिए जूस। फरजाद हमारे केस की दूसरी परी ताजू और गनी। थैंक यू। आए ओ क्या कर रहे हो? क्या कुछ नहीं, थोड़ा एक सेकंड क्यों बैठ रहे हो इस तरह? थैंक यू। आए अम्मी बैठे बैठे ना, जूस देती हूँ। तबीयत कैसी है? ठीक है। पहले आप इसे बताएं ना कि इसके साथ ये सब कुछ किसने किया है। जरा किस वाक्य पे बहुत शर्मिंदा हूँ। उसने ये फूल भिजवाए, इसने आराम तो नहीं करने दिया होगा। हाँ वो क्या कह रहे हैं? कंटेंट भिजवाया, फूल भिजवाया, बहुत अच्छा है, बहुत बुरा परवीन चौके या बिल्कुल भी नहीं, ये उनका शेर नहीं है। या अम्मी उन्हीं का होगा, अगर वो जिंदा होती ना वो यही कहती। खाते हुए बोलते नहीं है, चुप हो जाओ।
यही गलती करते हैं मालक वडेरे नवाबजादे सरदार, अपने बच्चों को खुली छुट्टी देकर पालते हैं ये लोग। और फिर जब ये बच्चे मसनद की दस्तार पहनते हैं तो वो लोगों को हकीर समझते हैं और खुद को कानून से बालातर। उनके लिए उनकी अपनी मर्जी जायज और काबिले कबूल होती है और बाकी सब कुछ नाकाबिले बर्दाश्त। इसीलिए वो हुक्म वदूली पर लोगों पर कुत्ते छोड़ते हैं, उनका मुंह काला करते हैं, उनकी औरतों को बेपर्दा करते हैं। क्या चाहती हो कि तुम भी एक ऐसे ही बेटे की मां बनना चाहती हो? अल्लाह आपको सलामत रखे खान जी, जिस दिन उसको इख्तियार मिलेगा वो खुद ही ठीक हो जाएगा। आप कौन सा जेल गए थे तरबियत के लिए? देखो सर ने कहा, मैं जेल तो नहीं गया लेकिन मैंने झेला बहुत कुछ है। केस के बारे में तुमने क्या सोचा? मेरा ख्याल है अब जब मंदी हो जानी चाहिए। अम्मी बस हम इस पर बाद में बात करेंगे। हम लोग इस केस का इनके साथ भी उतना ही ताल्लुक बन चुका है जितना तुम्हारा। मेरा ख्याल है ये बात हम तीनों में होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आपका दिल कुछ ज़्यादा ही पसीज रहा है उनके लिए। उन्होंने दिखावे में अपने बेटे की कुर्बानी जो दी है। नहीं निसाब, मैं अपने लिए बोल रही हूँ। मेरा दिल पसीज नहीं रहा बल्कि अजीब सा घबरा रहा है। तुम जरा के नाम को धत्कारने की कोशिश में उसे मेरी जिंदगी में दोबारा धकेल रही हो सकता है कि उसका नाम तुम्हारी वल्दियत से निकल जाए लेकिन वो मेरी जिंदगी में दोबारा आ जाएगा और ये बात तुम्हें बहुत तकलीफ देगी। सोच लो। एक्सक्यूज मी, मिसेस ज़रा खान, इफ्तिखार शाह। ताजवर जी, ताजवर खाने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपसे एक गुजारिश करनी थी। जी बिल्कुल। आपके फैमिली मैटर्स की वजह से मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। आप देख रही हैं ना किस हाल तक पहुंच गया है वो। जी मैंने उनको समझाया है। आई एम श्योर कि वो केस वापस ले लेंगे। आई सर्टनली होप सो। वैसे ये काम आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। कई लोग चोट खा के ही सीखते हैं। आप अकेली जा रही हैं? मेरा मतलब है कि आपकी बेटी क्या रात अस्पताल में गुजारेगी? शायद। तो ये कुछ मुनासिब नहीं लगता। बेहतर होता कि आप उसे अपने साथ ले जाते। इफ्तिखार साहब, मेरी बेटी फरजात की आदत अपनी जिम्मेदारी समझ के कर रही है। अगर उसको ज़रूरत नहीं है तो वो अकेली भी आ सकती है। खुदा हाफिज़ जी। क्या सोच रहा? यही जो तुम्हारी मां भी बोल के गई है।
वो तो ऐसी बातें मुझे करती रहती हैं घुमा फिरा के। वो उनकी जिंदगी से गए ही कब थे जो अब वापस आ जाएंगे। हाँ, लेकिन इस बार उन्होंने ये बात मेरे सामने कही है। तो फिर यार मैं बहुत डरता हूँ, तुम बहुत शक्की मिजाज हो। बोलो ना क्या बात है। मैं डरता नहीं हूँ, ना अपने बाप से ना तुम्हारे बाप से, ना तुम्हारे भाई से, ना उस मुर्तजा से। मेरी बात अगर मैटर करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ की बात है। तो तुम ये केस वापस लेने का सोच रहे हो? नहीं, केस वापस लेना है या नहीं लेना ये फैसला तुम्हें करना है। अच्छा, तुम बहुत बातें करते हो, चलो सो जाओ अब। देख लेना, नया लड़का ज्यादा चलेगा नहीं। हाँ, क्या तो सही रहा है। कब्बे पे आया है, टैलेंट है नहीं। देखते हैं क्या करते हैं मैच में। अगले सीजन में तो गया ही। पक्का गया है। लगता नहीं ज्यादा चलेगा। बाकी एक वो नया बॉलर, वो ठीक था। वो अपने गांव का था। जी, अस्सलाम वालेकुम। इनकी जमानत हो गई है, ये आप डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए। सरदार साहब से बोलो उनकी खैरात नहीं चाहिए मुझे। मैं यहाँ सरदार साहब की तरफ से नहीं आया हूँ, आपकी जमानत सेक्रेटरी साहब ने कराई है, इफ्तिखार शाह साहब ने। यस सर, ये कोर्ट ऑर्डर देख लीजिए प्लीज। दिस वन, मैं इनको ले जा सकता हूँ?
प्लीज आइए, लेट्स गो। सामान ले लेना। सर ये इनके बेल के डॉक्यूमेंट्स एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ द बेल दैट वी हैव पेड ठीक एंड द वर्क इज डन थैंक यू सर थैंक यू सॉरी बेटा कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। इसमें आपका क्या कसूर है? बेटा इसीलिए तो मैं खुद आया कि इसमें लिटरली हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारी आपस की कोई दुश्मनी नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। मेरा बेटा असल में एक प्रोफेशनल लॉयर है और वो उसके लिए किसी का भी केस ले सकता है। अब जिस तरह निसार जो है वो हमारे लिए काम करता है और उसने तुम्हारी बेल अरेंज करती है, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी किससे लड़ाई है या तुम्हें किसने। यही बात मैं आपके बेटे से बोलने गया था, लेकिन वहाँ बात चार पैसों की नहीं है, उसका इस केस में कोई और इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट? और क्या इंटरेस्ट हो सकता है उसका बेटा? ये कोई मतलब है कोई जायदाद का या किसी कर्जा वापस करने का, ये कोई ऐसा तो कोई केस नहीं है। और क्लाइंट इसकी जीत के भी उसको कोई शेयर तो नहीं। हाँ, जायदाद और जमीन के बहुत से झगड़े चल रहे हैं हमारे। आई डैम के यहाँ मसला हमारी सब का है। देखो बेटा वो केस जो है वो वापस ले रहे हैं, कम से कम लॉयर बदल रहे हैं। मेरा बेटा जो है ये केस अब नहीं लड़ेगा, ही विल हैव नथिंग टू डू। लेकिन वो पंगे लेता रहेगा। वो क्यों लेगा कोई पंगा? I mean, what further interest does he have in this case? मुझे लगता है उसको इस केस से ज्यादा अपने क्लाइंट में इंटरेस्ट है। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं बेटा। और मेरी बाइक की हालत तो बहुत खराब हो गई होगी। बेटा बाइक को देखकर तो लगता था कि आपके जिस्म की एक हड्डी भी सही सलामत नहीं बची होगी। देख ले मैं कितना सख्त जान हूं। अरे बेटा मैं तो आपके लिए बहुत दुआएं करता हूं। बेटा मेरी तो बड़ी दुआ है अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत दे। आप इस घर के चिराग हैं। आपको पता है 3 दिन से इस घर में चूल्हा नहीं जला, किसी ने खाना नहीं खाया और साहब ने भी 3 दिन से एक लुकमा तक नहीं खाया। वो बिलाल चौकीदार, हमीद ड्राइवर और रजाक माली और वो मासी वहीदन सब आपकी याद में परेशान थे, रो रहे थे, सब आपके लिए दुआ कर रहे थे। चलें अब चूल्हा जला लें। और ये जो पिछले 3 दिन से मुझे भुगत रही है ना, इसके लिए कुछ बना के। जी बेटा। अरे नहीं नहीं प्लीज, मेरे लिए कुछ मत बनाइएगा। नहीं मैं अभी बनाता हूँ। स्टिक कहाँ है तुम्हारी? गाड़ी में।
अच्छा मैं तो तुम्हें सिर्फ घर तक छोड़ने आई थी, अब मैं चलती हूँ। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के आई हो, थोड़ी देर तो बैठ जाओ। तुमने नीचे क्यों नहीं कमरा शिफ्ट करवाया? हाँ अब तो हो गया ना। अच्छा तो फिर मैं अब चलूं? ऐसा थोड़ी देर बैठ जाओ प्लीज। हम हॉस्पिटल में थोड़ी हैं, अब तो मुझे चलना चाहिए ना। क्या हुआ, ऐसी शक्ल क्यों बना ली है? मैंने कहा ना मैं मिलने आऊंगी तुमसे। रात के चार पहर तो इस घर में गुजारे नहीं चाहते, दिन भी गुजारना होगा। तो फिर चलो मेरे साथ। मुझे अस्पताल से पता चला है कि तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया। जी तो ड्यूज किसने दिए? जिन्होंने एडमिट करवाया था। सरक खान ने? जी। मुझे बता तो दिया होता, इतना तो हक बनता था मेरा। आप बिजी बहुत थे। और मैं कहां बिजी था तुम ये जानते हो? जी जिसने फैज साहब की बेल करवाई है वो आया था मुझसे मिलने। और मैंने क्यों उसकी बेल कराई है ये तो नहीं बताया होगा उसने? हाँ एक जोक सुनाया था उसने मुझे, जिससे मैंने अंदाजा लगा लिया है। और उस लड़के ने मुझे क्या धमकी दी है वो भी बता दूं तुम्हें? ने कहा है कि तुम उसके बाप की बेटी से दूर रहो, वो किसी गैर मर्द को अपने खानदान की किसी औरत के साथ घूमते हुए नहीं देख सकता, उसकी गैरत कुछ भी कर देगी। मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं होगा लेकिन वो अब आपसे ताल्लुक रखेंगे, इसलिए मेहरबानी करके आप मेरे बेटे से दूर रहें। बात का तो मुझे डर था, तुम्हें पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रही। मतलब कि अब मैं डर जाऊं, उन औरतों की तरह चादर ओढ़ के घर पर बैठ जाऊं ना, और जब बाहर निकलूं तो शटलकॉक वाला बुर्का पहन के सर झुका के चला करूं। मैंने तुम्हें कह दिया है कि बस अब तुम फरजाद से नहीं मिलोगी। तो आपने चादर पहन ली है। उस लड़के को तुमने जितना गुस्सा दिलाया ना वो फरजाद के साथ कुछ भी कर सकता है। और अम्मी जो मुझे गुस्सा आ रहा था वो मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं फरजाद का हाथ पकड़ के उस लड़के के सामने जाके खड़ी हो जाऊं। तुमने जिद कर ली है ना, कर लो, भुगतना तो मुझे पड़ेगा। ये देखो निशा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ी हूं अपनी इज्जत के लिए, अपने वकार के लिए। प्लीज अम्मी आपको क्यों लग रहा है कि ये मैं उसके इश्क में पागल होकर कर रही हूँ सब कुछ? अम्मी मेरी अपनी भी कोई इज्जत है, वकार है, मेरी अपनी आजादी भी कुछ है, मेरे अपने दायरे हैं। मैं अम्मी देखिए आई विल नेवर लेट यू डाउन, मैं आपका सर कभी नहीं झुकने दूंगी, लेकिन उन कुत्तों के डर की वजह से मैं अपने घर के दरवाजे बंद नहीं करूंगी। मैं तुम्हें दरवाजा बंद करने के लिए नहीं कह रही हूँ, रास्ता बदलने के लिए कह रही हूँ। एक कुत्ते से ऐसे ही लड़ा जाता है, इंसान कुत्ते को नहीं काटता, कुत्ता इंसान को काटता है, इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। तुम्हें ये समझ क्यों नहीं आ रही निशा? खुद भी फिसल गए।
मुझे भी गिरा दिया खान जी की नजरों में। बोला था होश से काम लो। अगर होश से काम लेना होता ना दादा, तो आप खुद करते, मुझसे ना कहते। चलो जो होना था हो गया, अब भूल जाओ ये सब कुछ, पढ़ाई करो। भूल जाऊं? जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, खान जी को इस बात का दुख नहीं है क्या? मैं यहां क्यों आया हूं? तुम्हारी जमानत करवाने के लिए भिजवाया उन्होंने मुझे। मेरे बाप ने जो हथकड़ियां पहनाई है ना मुझे, उसको नकेल बनाऊंगा मैं उनकी बेटी के लिए। उसे भी लगाम डाल दिया उन्होंने, ले रही है वो अपना केस वापस। हाँ, लेकिन रिश्ता तो खत्म नहीं होगा ना। तुम्हारा क्या लेना देना है रिश्ते से? मेरा बाप अपनी आंखें बंद कर सकता है, लेकिन मैं नहीं। बच्चे क्या हो गया है तुम्हें, क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो? दादा, आपको मेरे बाप की पगड़ी सिर्फ उस अदालत के कमरे में उछलती दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे बाहर भी दिखाई दे रही है। 20 साल से उन्होंने मुड़ के नहीं देखा कि उनकी बीवी क्या कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी अपनी आंखें बंद कर लूंगा। और अगर वो वाकई उनकी बेटी है, तो आप मुझे बताएं, क्या उसे भी मेरी माँ की तरह इज्जत और पर्दे में नहीं रहना चाहिए? पागल हो गए हो क्या? तुम अपने बाप से नहीं, अपनी माँ से भी दुश्मनी कर रहे हो फैज। अगर तुम उसे उछालोगे तो ये बात उन तक जरूर पहुंचेगी। वो प्रेदा दादा, इज्जत के नाम पे अपनी सौतेली बहन को खुद गोली मार दी थी आपने, अब मुझे समझा रहे हैं? चैटिंग हो रही है फरजाद से। जी, क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, बस उसे सब बता रही हूँ क्या चल रहा है। कुछ तो बोल रहा होगा। वो क्या बोलेगा बेचारा, वो कर ही क्या सकता है? वो बहुत कुछ कर सकता है निसा, उसको पत्थर बना के मारो, ना जरक तुम्हारे रास्ते में आएगा और ना वो फैज की जरूरत होगी भौंकने की। अच्छा, तो अब कौन सा नोटिस भिजवाएगा उनके पास? नोटिस नहीं, कार्ड भेजो अपनी शादी का। निसावा मुझे अच्छा लगा है, तमीज़दार है, शरीफ है और शक्ल का भी बुरा नहीं है। अब मुझसे ना छुपाओ, मैं तुम्हारी माँ हूं, अच्छी तरह जानती हूँ तुम क्या उसके लिए फील करने लगी हो। पिछले 3 दिन से तुम उसके सराहने हमदर्दी के लिए नहीं बैठी, और उसकी आंखों में भी मुझे बहुत कुछ नजर आता है तुम्हारे लिए। अच्छा, तो आप उस फैज के बच्चे से इतना डर गई हैं? अभी कल तक तो आप मुझे उन औरतों की मिसालें दे रही थी जो इन शादी ब्याह के चक्रों में पड़ने के बजाय अपना नाम रोशन कर रही है दुनिया में, और आज आप मेहंदी की थाल लिए तैयार हैं। इसलिए कि कल तक तुम्हारे काबिल मुझे कोई नहीं लगता था। क्या शादी के बाद औरतें नाम नहीं कमाती? तुम्हें कोई बर्तन मांझने के लिए तो नहीं कह रहा? तुम अपनी पढ़ाई करना हो, अपनी प्रैक्टिस। अम्मी, मैं एक मुसीबत से बचने के लिए दूसरी मुसीबत को क्यों अपने गले में डालू? क्यों, तुम्हें वो पसंद नहीं है क्या? मैं शादी करूंगी ना तो अपनी मर्जी से करूंगी, किसी के डर से नहीं। बेटा, कहाँ जा रहे हो? किसी से मिलने। इस हालत में? अब मैं काफी बेहतर हूं। बेटा, उसे यहां बुला लो। आपने उसे यहां आने से मना किया हुआ है। बेटा, मैं
2 साल DC रहा हूँ जरा खान के इलाके में, उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। चले इसी बहाने मैं भी उसे जान लूंगा। You know what? I think you are in love with her. पापा भी हम इतने फ्रैंक नहीं है कि ये सब कुछ मैं आपसे शेयर कर सकूं। ठीक है, शादी कर लो उससे, अच्छी लड़की है, मुझे पसंद आई है। सुनाओ सर, तो काफी दिनों के बाद आया, कहीं गए हुए थे क्या? जेल। सर न्यू आइटम है, चेक कर लीजिए। हेलो, काफी बेहतर लग रहे हो। हाँ होना पड़ा, कमजोर से कमजोर इंसान को जेल की ऊंची छलांग मारने के लिए करना पड़ता है। ऐसे क्या दिख रही है? वो घर मेरे लिए जेल से कम नहीं है। तो निकल क्यों नहीं जाते इस जेल से हमेशा के लिए? रहम आता है मुझे अपने बाप पर, मर जाएंगे वो शख्स जितनी नफरत मेरी मां से करता है ना, उतनी मोहब्बत वो मुझसे भी करता है। You're very lucky, Farzad. तुम्हारी जेल तो इतनी छोटी सी है, मुझे तो अपनी पूरी दुनिया जेल सी लगती है। वो दीवार नजर ही नहीं आती जहां से छलांग मारनी है। निशा तुम ऐसा फील क्यों करती हो? वो सिर्फ भड़कियां मारने वाला, धमकी देने वाला इंसान है, और इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। मैं उससे नहीं डरती फरजाद, मेरी माँ मेरी स्ट्रेंथ है, और जब मैं उनकी आंखों में खौफ देखती हूँ ना, तो अजीब सा फील करती हूँ, बहुत इनसिक्योर हो जाती हूँ। तो फिर किसने कहा इस सराहने को? भाई बुर्का पहन के आया करो। तुम वर्कआउट करते हो? हाँ हाँ, वो आजकल नहीं पर आप पेन है ना, इसलिए। हाँ अच्छा, दिखाना ना हाथ तुम्हें। हाँ दिखा, ये लो। ऐसे? नहीं ऐसे? निशा क्या कर रही है, दर्द हो रहा है? हो रहा है, छोड़ो। बहुत ड्रामे करते हो तुम इसे। ड्रामे नहीं कर रहे यार, पेन है। हाँ, हाँ। वो तुम भी बहुत नाजुक से। बड़ा वर्कआउट। कुछ खाओगी? वेटर। बुल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।